क्या ये पूरे राशन के लोग जो हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा माफिया है, क्या ये क्रिमिनल्स हैं? तो क्या भाजपा आपकी लोकप्रियता से डर गई है? कम से कम ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है #BJPWithRashanMafia वो तो यही बता रहा है। दरअसल ट्विटराइट्स केजरीवाल सरकार के घर घर राशन को लेकर केंद्र सरकार के स्ट्राइक पर वार कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल अपनी स्कीम को लेकर बात सदन के पटल पर रख रहे हैं। साथ ही लगभग 10 सालों से इस मुहिम को लेकर जो कुछ भी उन्होंने जाहिर किया है सार्वजनिक मंच से उसे भी शेयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 25 मार्च से शुरू होनी थी। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी कर दिए थे। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश भर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे, इसलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है। क्या ये पूरे राशन के लोग जो हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा माफिया है, क्या ये क्रिमिनल्स हैं? जो जैसे ही राशन वाले की कंप्लेन की जाती है उनको धमकी मिलती है, संतोष का गला काट दिया जाता है और उनकी इतनी हिम्मत है कि एनडीटीवी के स्टाफ को जान से मार डालने की धमकी दे दी जाती है। राजनीति में आने से पहले हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में राशन के ऊपर ही काम किया करते थे। हमने इसकी पूरी प्लानिंग करी कि भाई हम राशन को, अभी लोगों को राशन लेने के लिए दुकान पे आना पड़ता है, दुकानें खुलती नहीं है, पूरे महीने में 2 या 3 दिन दुकान खुलती है, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगती है, राशन वाला कम राशन तोलता है, ज्यादा पैसे लेता है, गंदा राशन देता है, लोगों को ढेरों शिकायत है और उसमें खूब भ्रष्टाचार है। तो हमने ये पूरी प्लानिंग करी कि राशन को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे, आपका जितना राशन बनता है उसको पैक करके, बोरी में पैक करके आपके घर में कोई देके आएगा, आपको दुकान में आने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके घर पे राशन पहुंच जाएगा। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केंद्र ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना राशन डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी। 25 मार्च से दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस योजना को शुरू न करें। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।